कोई कह रहा है कि रिजर्वेशन दे दो, लेकिन बिल पास ही नहीं है। जब बिल पास नहीं तो कैसे देंगे? आपका एमएलए कहता है सनातन संस्था पे बैन लगाओ, बेटा जब तुम्हारे बाप की सरकार थी तो तुमने क्यों नहीं लगाया? नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में समाजवादी पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में अबू आसिम आजमी ने कई कार्यकर्ताओं को अलग अलग पदभार दिया, तो वहीं विधायक अबू आसिम आजमी ने कांग्रेस और एनसीपी पर जमकर निशाना साधा। अबू आसिम आजमी ने कहा, यही वो एनसीपी और कांग्रेस की सरकार है जिसने सिमी पर प्रतिबंध लगा दिया था। अबू आसिम आजमी ने कहा, जब मुंबई ब्लास्ट में सनातन संस्था के लोग पकड़े गए, उन पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया? वहीं अबू आसिम आजमी ने एनसीपी और कांग्रेस पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा कि आज एनसीपी के एमएलए क्यों सनातन संस्था पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं। अबू आसिम आजमी ने कहा, जब उनकी सरकार सत्ता में थी तो क्यों नहीं सनातन संस्था पर प्रतिबंध लगाया गया? आज जब सत्ता से बाहर है तो सनातन संस्था पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। एनसीपी का लीडर छगन भुजबल ने जब अमेरिका में वाइट हाउस सेंटर पर बमबारी हुई तो सबसे पहले एनसीपी के लीडर ने कहा कि सीमी एक जो है इस्लामिक संगठन है, इसको पाबंदी लगाओ, और सीमी पे पाबंदी लग गई। जिसकी सरकार थी, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी, लगी कि नहीं लगी? आज तक लगी हुई है। देखो अखबार में आप कि दिल्ली की एक अदालत ने, गीता मित्तल नाम की एक अदालत, एक जज ने 252 पेज पर जजमेंट दिया कि सीमी के खिलाफ एक भी सबूत ऐसा नहीं है जिससे हम इसके ऊपर बैन लगा सके। इसको इजाजत दो, इनको काम करने दो। लेकिन फिर कांग्रेस सरकार ने ले जाकर के सुप्रीम कोर्ट से उसको जो है बैन लगा दिया और ठंडे बस्ते में डाल दिया फाइल को। मुझे बताओ आप लोग, सनातन संस्था के लोगों को किसी थाने में सजा हुई कि नहीं हुई? नहीं, बंबई के बम ब्लास्ट में सजा हुई 10 साल की। सरकार किसकी थी? कांग्रेस और एनसीपी की। वो मिनिस्ट्री किसके हाथ में थी? एनसीपी के हाथ में। सनातन संस्था पर क्यों नहीं बैन लगा? आप पूछेंगे नहीं पूछेंगे मुझसे? जिस संस्था के लोग बम ब्लास्ट में पकड़े गए, उनको सजा भी हो गई, उन पर आज तक बैन नहीं लगा? आपका एमएलए कहता है सनातन संस्था पे बैन लगाओ, बेटा जब तुम्हारे बाप की सरकार थी तो तुमने क्यों नहीं लगाया? आज क्यों मांग कर? आजमी यही नहीं रुके, मुस्लिम आरक्षण को लेकर एनसीपी और कांग्रेस पर अपनी भड़ास जमकर निकाली। आज ये कांग्रेस और एनसीपी के लोग मांग रहे रिजर्वेशन, मुसलमानों को रिजर्वेशन कौन मांग रहा है? कांग्रेस और एनसीपी के लोग 15 साल लगातार सरकार उनकी थी, 70 साल देश में ऐसी सरकार उन्होंने चलाया, क्यों नहीं लिया रिजर्वेशन? सरकार जब खत्म हो रही थी तो आपने लास्ट में कहा कि 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन, ये धोखा दिया इन्होंने, बेवकूफ बनाया मुसलमानों को। अगर इनको रिजर्वेशन देना था तो ये असेंबली के अंदर एक बिल लाते और वहां बिल पास करते। जब बिल पास हो जाती ना तब कानून बन जाता। कोई कह रहा है कि रिजर्वेशन दे दो, लेकिन बिल पास ही नहीं है। जब बिल पास नहीं तो कैसे देंगे? आजमी ने कहा, मुस्लिम आरक्षण सिर्फ दिखाने के लिए था, अगर एनसीपी कांग्रेस मुस्लिम आरक्षण को वाकई में लाना चाहती तो ला सकती थी। एनसीपी कांग्रेस मुस्लिम आरक्षण को कानून बनाकर बिल पास किया गया होता तो मुस्लिम आरक्षण मिल गया होता, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।